हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिवा प्रेप. सो गाइस, मैं हूं नेहा. सो आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा वीडियो लेकर आई हूं, जो कि है वेडिंग ड्रेस हॉल. सो यस गाइस, मैंने कुछ ड्रेसेस खरीदी थी, शादी अटेंड की थी, तो शादी के पर्पज़ से थी वो ड्रेसेस. लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि सिर्फ शादी में ही ना पहनूँ कुछ, उनको कभी कुछ ऐसे छोटे मोटे फंक्शन हो, या मेरे दिमाग में ये था गाइस कि इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं लेना है कि मैं उसे पहन ही ना पाऊँ. क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, शादी और इतना हैवी यार कुछ ऐसी साड़ियाँ या लहंगे या शेरवानी इस तरीके की ख़रीद लेते हैं कि फिर हम उन्हें दोबारा पहनने का मौका ही नहीं मिलता गाइस. सो मेरे दिमाग में ये था कि कुछ ऐसा लूँ कि अगर मैं बाद में भी पहनना चाहूँ तो पहन सकूँ एटलीस्ट. सो मैंने क्या लिया है, शुरू करती हूँ. चलिए. सो गाइस, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये कुर्ती एंड ये लहंगा. नॉटिंग ही करी हुई है. सो गाइस, ये कुर्ती और लहंगा मैंने लिया. तो सबसे पहले मैं इसके टॉप की बात करती हूँ. सो ये है इसका टॉप. ये इसका मैंने फ़ोटो भी लिया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी लास्ट वाले की. सो देखिए, ये इसकी स्लीव्स हैं, इस पर ट्यूबलाइट वर्क हो रहा है, ट्यूबलाइट एम्ब्रॉयडरी वर्क, और सेम नीचे भी ट्यूबलाइट एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रहा है, और लेस लगी हुई है, और ऑल ओवर पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है. सो ये बहुत प्यारा लग रहा है. तो एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये नेट का जो कपड़ा है उस पर हुई है, जो कि जॉर्जेट है, और अंदर जो है ये कॉटन है. क्योंकि फिर हम पहनेंगे तो यार शिफॉन जो जॉर्जेट है वो थोड़ा सा चुभता है ना, तो उसकी इनर जो लाइनिंग है वो कॉटन की है, ताकि आप पहने तो आपको बहुत कंफर्ट रहे. तो ये बहुत कंफर्टेबल था. सो मैं इसका नेक भी दिखाती हूँ आप लोगों को. ये इसका नेक है, और ये इसकी जो डोरी है, बैक स्ट्रिंग्स, ये पूरा ऐसा दिखता है. सो ये था टॉप. इसको रख देती हूँ, बताती हूँ आपको. ये है इसका बॉटम. सी, रेड तो कलर ही इतना प्यारा होता है ना कि वो बहुत ही प्यारा लगता है, अलग से दिखता हूँ ना. ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना. ये इसकी वेस्ट लाइन है, इस पे देखिए छोटे छोटे सितारों का काम हो रखा है, और साइड में जिप है, और साथ में इसका स्ट्रिंग दे रखी है अटैच, जो कि बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर लग रही है. नाउ इसकी मैं बात करूं, इसका भी आउटर जो है जॉर्जेट नेट, सॉरी नेट है, और इस पर भी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है सितारों की छोटे छोटे, और इसका जो अंदर का जो कपड़ा है वो सैटन है, सिल्क, मतलब स्मूथ मलमल का कपड़ा है, अच्छा है. सो ये था लहंगा, जो इसका बॉटम है जो पहना था. अब इसके साथ जो दुपट्टा है वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. इसका दुपट्टा है, मैंने पूरा ओपन नहीं किया हुआ है, मैंने बस इसे इसको आधा फोल्ड है. इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, और इस पर जो ट्यूबलाइट वर्क हो रहा है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है. इसका अभी बॉर्डर है, और इस पर ट्यूबलाइट वर्क हो रखा है. सो चलिए मैं इसकी बात करती हूँ कि मैंने कहाँ से ख़रीदा और ये मुझे कितने का पड़ा. तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मैंने रेडीमेड खरीदा है, मैंने इसको सिलवाया नहीं है, मैंने इसको स्टिच नहीं करवाया है, ये सिलाया ख़रीदा है. तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसकी एम्ब्रॉयडरी और इसका कपड़ा. इसका कपड़ा काफ़ी कंफर्टेबल है, और बहुत स्किन फ्रेंडली है, स्किन को इचिंग नहीं करता है. सो ये मुझे सिलवाने का मेरा खर्चा बचा. देखिए, एक तो ऊपर से बहुत जल्दबाजी में हुई थी शॉपिंग. सो प्लीज़, आप ये मैं समझना कि देखो शो ऑफ कर रही है, इतना दिखा रही है, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. शादी थी, और रोज़ रोज़ होती नहीं शादी, तो एक भाई की शादी थी, तो इसलिए ख़रीदा, और जल्दी में ख़रीदा. लेकिन प्राइस मुझे वर्थ लगी, क्योंकि अगर मैं लहंगा या कुर्ती में सिलवाती ही और उस पर इतनी एम्ब्रॉयडरी करवाती तो कम से कम मुझे 10 to 12,000 पड़ता. तो ये मुझे बहुत सस्ता पड़ा, उस हिसाब से मुझे बहुत सस्ता पड़ा. तो ये मुझे 5 to 6,000 के बिटवीन पड़ा. तो यस गाइस, ये इतना मुझे पड़ा था. तो हम जनरली अगर शॉप अगर जाएँ तो कितने का होता है लहंगा, उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा प्राइस ठीक लगा. और ये मैंने लिया था कोटा से, राजस्थान में कोटा, अगर आपको पता हो जयपुर के पास ही है, जयपुर कोटा. सो यस, तो गाइज अगर आप कोटा में रहते हैं, और कोटा में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा गुमानपुरा मार्केट इज़ सो फेमस मार्केट, वहाँ का सबसे बड़ा अच्छा मार्केट है. मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो वहाँ मिलेगी, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट
मैं गई भी ऐसी थी कि मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मुझे लक बाय लक मुझे अच्छी ड्रेस मिल गई, और ये मुझे एक नज़र में देखते ही पसंद आ गया था सच बोलूँ तो। रेड कलर इतना सुंदर लग रहा था। सो यस गाइस, अगर आप कोटा में हैं तो आपको पता, अच्छे से पता होगा गुमानपुरा मार्केट कहाँ पर है। गुमानपुरा में मैंने ये जस्ट शॉप से लिया, उस शॉप का नाम है तुलसी फैशन वर्ल्ड, सॉरी तुलसी फैशन फॉर वुमेन, यस। सो जो लोग कोटा में रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा गुमानपुरा में शॉप्स के बारे में। परिधान काफ़ी फेमस शॉप है, उसके पास में ही है। सो मैं इसका वो भी दिखा देती हूँ, ये है, मैंने यहाँ से लिया था। आई नो इट्स वेरी लुकिंग वेरी स्टूपिड बट ठीक है, तो आप ले सकते हैं। और एक नहीं हज़ारों बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी और बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मार्केटिंग कर देते हैं। तो ये थी इसकी मार्केटिंग। और मैंने एक और ड्रेस खरीदी थी सेम इसी शॉप से। सो तब मुझे ही नहीं पता था कि अभी क्या चल रहा है ट्रेंड और ये है। सो उसने मुझे बोला मैडम ये ट्रेंड में चल रहा है, ये फैशन में चल रहा है। तो गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, जो पहना ना इतना अच्छा लग रहा था, खुद की तारीफ ही कर रही हूँ। तो बहुत डिफरेंट था, बहुत यूनिक था और अच्छा था। सो ऑब्वियसली अगर आप जाओ, अगर आप ड्रेस लेते हो तो आप सोचते हो कि यार आपकी ड्रेस बिल्कुल अलग हटके लगे। साड़ी तो हर कोई पहनता, साड़ी लहंगा तो सभी पहनते हैं, तो कुछ हटके अलग सा था कि हाँ अगर कोई बोले भी तो यार ये क्या पहना है, तो कम से कम नोटिस तो किया। सो दूसरी ड्रेस मैंने खरीदी है गरारा और कुर्ती। और एक और चीज़ उससे पहले, आप चाहे ना इसको मल्टीवे में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस पहना अपनी रख दिया उठा के, ऐसा नहीं कर सकते, आप इसको पहन भी सकते हैं। लेकिन जो कुर्ती, ये जो कुर्ती है ना, इस ये जो कुर्ती है इसके साथ आप पटियाला पहन सकते हैं, या आप गोल्डन लैगिंग या चूड़ीदार पहन सकते हैं। अगर आपको इसे बहुत हैवी नहीं पहनना है, थोड़ा सा हल्के फुल्के लाइक एंगेजमेंट या किसी पार्टी में जाना है, तो आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं। और रही बात ये जो लहंगा है, जो उसका बॉटम है, उसके साथ अगर आप चाहें तो अलग से ब्लाउज टीम अप कर सकते हैं, टॉप गोल्डन रेड या ब्लैक कुछ भी आप टीम अप कर सकते हैं, तो एक अलग अलग एक ही ड्रेस के अलग अलग लुक हो जाएंगे। तो इस हिसाब से मुझे पैसा वर्थ लगा। तो चलते हैं अब दूसरी ड्रेस की तरफ कि मैंने दूसरी ड्रेस क्या खरीदी। तो गाइज ये है एक कुर्ती प्लस गरारा। सो ये कुर्ती है और देखिए इस पे बहुत प्यारी कच्चे रेशम की एम्ब्रॉयडरी हो रही है। और ये इसका है नेक, इसके नेक पे जरी, यस जरी और मोती और छोटे छोटे ट्यूबलाइट्स, हाँ जरी मोती एंड ट्यूबलाइट्स का वर्क हो रहा है। और इसका गला नेक बहुत प्यारा है, तो इसको इसको आप ना गले में आपको कुछ नेक पीस पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहन भी लोगे ना तो भी वो इतना डेलिकेट है ना उसका, वो पूरा निकल जाएगा, पूरी उससे लज लज के सारी ख़राब हो जाएगी एम्ब्रॉयडरी। और ये पीछे से इसका गला है सुंदर सा, और साथ में इसमें दे रखी हैं बैक स्ट्रिंग्स जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके साथ इनर भी है, क्योंकि ऑब्वियसली नेट का है तो ये इनर है, तो ये बहुत अच्छा। ये भी मुझे सेम रेंज में ही पड़ा था। और इसके साथ मैं आपको बताती हूँ गरारा, इसमें पीछे इलास्टिक है इसकी वेस्ट पे, और ये हुक क्लोजर है, जिप है साइड में, और ये इस टाइप से है पूरा। इसमें नीचे लेस लगी है गोटा पत्ती की। एंड गाइस ये है इसका दुपट्टा, इसमें भी साइड में जरी का लेस लगा हुआ है। सो गाइज ये भी मुझे सेम शॉप से ख़रीदा मैंने, वो मुझे सेम प्राइस में पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो गाइज क्या है ना कि स्टिचिंग के मुझे मेरे पैसे बच गए, क्योंकि जब आप शादी या किसी अच्छे से फंक्शन के लिए एक सुंदर सी ड्रेस या कपड़ा भी खरीदते हो तो उसकी स्टिचिंग में इतने पैसे चले जाते हैं, तो यहाँ पर इसके पैसे बच गए और फ्री में फिटिंग भी हो गई, दोनों हाथों में लड्डू। सो यस गाइज ये ड्रेस मैंने रिसेप्शन में पहनी थी, एंड वो लहंगा जो रेड वाला है वो मैंने शादी में पहना था, तो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लुक आया था। और उसके साथ ज्वेलरी जो पिंक वाला है उसके साथ आपको गले में कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, इयररिंग्स और आप मांगटिका पहन सकते हो लाइक, और रेड वाले में आप कुछ भी गोल्डन सा अच्छा सा हार पहन सकते हो। उसमें मैंने पूरा लुक है तो वो लास्ट में मैंने दिया है, आप देखना मत भूलना। सो ये था आज का वेडिंग ड्रेस हॉल वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेरा वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी करना, उसको सब्सक्राइब भी करना, ऐसा नहीं वीडियो देखा और चले गए बिना सब्सक्राइब किए। तो चैनल पे आए हो तो वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। सो मैं जल्दी मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, स्टिल देन बाय।